एक्टर शिजान मोहम्मद खान। उभरती एक्ट्रेस सुनिशा के सुसाइड के मामले में शक के घेरे में है। उससे लगातार पूछताछ के जरिए पुलिस सच उगलवाने की कोशिश कर रही है। दो दिन तक पूरी तरह नॉर्मल रहकर पुलिस का सामना करने वाले शिजान रविवार की रात पुलिस के सामने रो पड़ा। हालांकि पुलिस पर उसके आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ। मुंबई की तेज तर्रार पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर शिजान ने तुनिशा से दूरी क्यों बनाई, जिसकी वजह से निराश होकर तुनिशा को जिंदगी को अलविदा कहना पड़ा। इसके लिए तीन रोज से पुलिस लगातार शिजान से सवाल कर रही है। पुलिस किसी आरोपी की बॉडी लैंग्वेज के जरिए उसके बारे में काफी कुछ अंदाजा लगा सकती है, लेकिन दो दिन से शिजान ने सामान्य तरीके से बिहेव करके पुलिस को मौका नहीं दिया कि वो उसके बारे में कोई सटीक अंदाजा लगा पाए। वालिब थाने में जब महिला पुलिस अफसर की तरफ से उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ तो आखिर शिजान टूट गया। पुलिस के अफसरों के सामने शिजान रोने लगा। पुलिस भी शिजान को रोते देख सकते में थी। कुछ वक्त के लिए सवाल जवाब का सिलसिला भी रोकना पड़ा। कल शाम को पुलिस ने जब शिजान खान से पूछताछ की तब वो अचानक रोने लगा। ताज्जुब की बात यह है कि पहले दो दिन तो शिजान खान काफी नॉर्मल बिहेव कर रहा था, जिसकी वजह से पुलिस को उसकी बॉडी लैंग्वेज से किसी तरह का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन कल पुलिस ने जब शिजान खान से पूछताछ की तब वो अचानक रोने लगा। अब इसे दो दिन हवालात में रहने का नतीजा कहें या पुलिस की सख्ती। महिला अधिकारी की माने तो पहले तो शिजान चुप रहता था, उसके हाव भाव देख कर अंदाजा लगाना मुश्किल था। शिजान खुद को पूरी तरह नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीती रात वो रोने लगा। तुनिशा का आज अंतिम संस्कार है, लेकिन शिजान ने ऐसी कोई इच्छा नहीं जताई कि वो आखिरी विदाई के लिए जाना चाहता है। शिजान दो दिन से लगातार ब्रेकअप के पीछे अलग अलग थियरी बता रहा है। इससे साफ है कि वो बार बार बयान बदल रहा है। पुलिस उसके हर बयान को नोट कर रही है और उसको वेरीफाई कर रही है। इसी वजह से पूछताछ में ज्यादा वक्त भी लग रहा है। पुलिस हर उस एंगल से जांच कर रही है जो सुसाइड के पीछे हो सकता है। जो भी है, पुलिस कस्टडी अभी रिमांड ली हुई है। पुलिस ने चार दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिली हुई है और पुलिस जो जो एंगल से करना है वही सभी एंगल से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और करेगी। शिजान एक मंझा हुआ एक्टर है। कई साल से वो अलग अलग तरीके के किरदार निभा रहा है। उस पर दूसरी लड़कियों से संबंध रखने के भी आरोप हैं। ऐसे में इतना तो तय है कि वो एक मजबूत दिमाग का शख्स है और उससे पूछताछ के जरिए पूरा सच निकालना इतना आसान नहीं है। ऐसे में पुलिस को दूसरे सबूतों की कड़ी से कड़ी जोड़नी होगी। मुंबई से दीपेश के साथ देव कोटक, आज तक।